Hey guys, welcome है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा था फायरबोल्ट की जो रॉक वॉच थी, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर शेड है ना, जो ये मतलब बहुत ही कमाल का है, ये मेरे को रिसीव हुआ है आज, तो इसको अनबॉक्स करते हैं गाइज, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम लुक तो है ही इसका, एप्पल का तो नहीं है, बेसिकली पिक्सल का लुक है, बेसिकली पिक्सल वॉच का लुक है, बट ये जो गोल्ड वाला एक्सेंट वाला कलर है ना, ये मतलब बहुत ही कम लोगों के पास है और ये मेरे पास रिसीव हो चुका है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मैंने एक सिल्वर वाला तो कर दिया था बेसिकली, तो इसको करते हैं अनबॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से पैकिंग मिल जाती है, इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, वैसे ही पैकिंग तो नॉर्मल मिलती है, उस तरीके से मिलेगी आपको। इस तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके की अनबॉक्सिंग को री अनबॉक्सिंग को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। और गाइस बहुत जल्दी आप सभी के लिए सरप्राइज आने वाला है। यस गाइस, आपने सही सुना, 25K पे मैं 2 से 3 वॉचेस का गिव अवे करने वाला हूं, तो गाइस स्टिक रहिएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। और शेयर करना ना भूलें गाइस वीडियो को, गाइस मेहनत लगती है डेफिनेटली, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मिल जाता है। और गाइस ये क्रीम कलर का वो मिलता है, और ऊपर साइड से ये जो कहीं ना कहीं गोल्ड एक्सेंट का काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं गाइस, डेफिनेटली बहुत अच्छा लुक आ रहा है, और इसका खासकर मतलब स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मेन जो डायल है ये तो है ही कमाल का, काफ़ी यहाँ पे हैवी है। और यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे यूज़र मैनुअल और कुछ वो मिल जाता है आपको कूपन्स रिडीम करने के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देखो ये 2 क्लैप्स मिल जाते हैं, मतलब 4 मिलते हैं बेसिकली, एक अगर खो जाए, एक का जोड़ा खो जाए तो दूसरा आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे, ठीक है, हम अब इसको रखते हैं साइड में और मेन वॉच पे आते हैं, ठीक है। यस गाइस, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलती है 1.32 इंचेस की, और यहाँ पे ये रहे स्ट्रैप आप यहाँ पे लगा सकते हो। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है डेफिनेटली, इवन हर एक मतलब इसमें जो स्ट्रैप मिलता है आपको, जॉन सी कलर शेड मिलती है वो, उसमें आपको स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी मिलती है डेफिनेटली। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हो, यहाँ पे अगर अटैच ना हो तो यहाँ पे आप करके देखो, तो एक में तो अटैच होगी डेफिनेटली, और एकदम फिक्स आता है इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पे आप इसको अटैच कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से फिक्स हो जाता है। और यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से फिक्स हो जाता है, तो काफ़ी मतलब प्रीमियम फील आ रहा है। और चलिए हम इसको ऑन करते हैं, फर्स्ट बूट इसका चेक करते हैं। और गाइस शायद मेरे ख्याल से उल्टी लग गई, ये वाली ऐसे होनी थी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। सो गाइस इसमें बैटरी नहीं है मेरे ख्याल से, इसको चार्ज करना पड़ेगा, देन ओनली हम इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको चार्ज कर लेते हैं मेरे। सो गाइस फाइनली ये चार्ज हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड एक्सेंट में काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। गोल्ड कलर अवेलेबल नहीं है वैसे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, और फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर लेना वैसे है कि नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे 3500 रुपये प्राइस का चल रहा है और ऑफिशियल वेबसाइट पे 3800 रुपये प्राइस चल रहा है इस वॉच का, ठीक है। बट किसी को अगर बाय करनी है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकता है, और थोड़ी सी कम प्राइस में उसको देखने को मिल जाएगी वॉच। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ, मैं ऑलरेडी रिव्यू बना चुका हूँ, यहाँ पे रोटेटिंग टाइप का UI मिल जाता है, और डबल टैप करके आप मेन्यू को चेंज कर सकते हो, 4-5 मेन्यू स्टाइल मिल जाती हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इस तरीके से ऊपर की साइड से आपका जो स्पोर्ट्स मोड है वो आ जाता है। और गाइस काफ़ी प्रीमियम लगती है वॉच, देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल का लुक है जैसा मैंने आपको मतलब रिव्यू। सो गाइस यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। और गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे वॉच फेसेस इतने सारे मिल जाते हैं, 4-5 मिल जाते हैं बेसिकली, और चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टैप करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। डायल पैड मिल जाता है, कॉन्टैक्ट्स है, कॉल रिकॉर्ड्स है, वॉइस असिस्टेंट है, एक्टिविटी डाटा है, वर्कआउट है, वर्कआउट रिकॉर्ड्स है, हार्ट रेट मीटर है, स्लीप मीटर है, स्पीड मीटर है, मैसेज नोटिफिकेशन है, वेदर है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग है, म्यूजिक कंट्रोल है, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, अलार्म क्लॉक है, अलार्म आप इन द वॉच इटसेल्फ लगा सकते हो, मेडिटेशन है, कैमरा शटर है, यहाँ पे गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। तो गाइस सैडली इसमें आपको गेम्स और कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पे कम से कम वॉइस असिस्टेंट दिया हुआ है, तो गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन होता तो और मज़ा आता, इवन कैलकुलेटर का ऑप्शन होना चाहिए था कहीं ना कहीं, है ना। आप भी ज़रूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि कैलकुलेटर का ऑप्शन होना चाहिए था। यहाँ पे अगर मैं बात करें सेटिंग में जाने के लिए, यहाँ पे इधर साइड से टैप करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्क्रीन ऑन आप 20 मिनट्स तक भी रख सकते हो, इसका स्क्रीन वेक का ऑप्शन मिलता है बेसिकली आपका, अपने पिक को एज अ वॉच फेस रख के आप स्क्रीन को वेक रख सकते हो करीब करीब 20 मिनट्स तक। EOD क्लॉक आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो डिजिटल एनालॉग, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑन हो जाता है, और साथ ही में रेस्ट टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे 6 सेकंड तक का, और साथ में बैटरी परसेंटेज शो करता है यहाँ पे, वाइब्रेशन, यहाँ पे प्रॉपर म्यूट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है, पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है।
अब कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन की, तो iOS डिवाइस के साथ मैंने इसको पेयर करके नहीं दिखाया था वैसे भी आपको, तो इस वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा, डायरेक्टली दो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो iOS डिवाइस के साथ एक बार हम पेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यू वॉच है तो अभी तक ये पेयर नहीं है। तो यहाँ पे वॉच सेटिंग में अनबाइंड करते हैं पहले, तो यहाँ पे फिर ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए ब्लूटूथ ऑन है और लोकेशन सर्विसेज ऑन रखनी, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो आ चुका है फायरबोल्ट 108, इस पर टैप करते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है पेयरिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, और यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर देते हैं। स्टार्ट एक्सपीरियंस पे करना है आपको, अलाउ, पेयर हो चुकी है, ठीक है। और गैस यहाँ पे ब्राइटनेस में ऑल कर देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है वॉच। यहाँ पे वॉच सेटिंग पे चलते हैं, वॉच सेटिंग में यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट है, अपडेट है, अपग्रेड है बेसिकली, और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, उसी के साथ साथ डायल सेंटर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अपने पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, कस्टम डायल पे जाके यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। एक मैं लगा के देख लेता हूँ। सो गाइज नहीं आ रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। एंड्रॉयड के साथ प्रॉपर काम करती है वॉच, iOS डिवाइस के साथ इशू आ रहा है इसमें। ऑडियो प्रोफाइल ऑन ऑफ करनी हो यहाँ पे जा सकते हो, इधर की साइड से आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली कनेक्टेड है अभी फिलहाल। इसको मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कॉल मिलाते हैं दोबारा से, नो गाइज iOS डिवाइस के साथ काम नहीं कर रही सही से, मतलब ठीक है। अब एंड्रॉयड के साथ तो सही से काम करती है, आई डोंट नो यहाँ पे इस पे क्यों नहीं काम कर रही है, ठीक है। तो गैज़ वॉच आपको एंड्रॉयड डिवाइस के साथ अच्छा काम करेगी, आईओएस डिवाइस के साथ इशू रहता है वैसे। लास्ट मीडियम टू थिन थिन पे चल जाती है वैसे ये वॉच, क्लासी है, प्रीमियम लुक के साथ आती है, स्टील का डायल मिलता है आपको, और ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है। और ये गैज़ रोटेटेबल क्राउन तो कमाल का इसमें बेटर है, ठीक है। मैंने अनबॉक्सिंग करने का मतलब मकसद ये था कि यहाँ पे ये वाला कलर है जो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो वैसे, और मेरे ख्याल से 3,000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छी वॉच बन जाती है, मतलब 3,500 तक के प्राइस ब्रैकेट में। और उसी के साथ साथ आई नो यहाँ पे गेम्स कैलकुलेटर मिसिंग है, वो होना चाहिए था, बट अगेन गाइज आपको यहाँ पे गूगल पिक्सल वॉच का भी लुक मिल रहा है देखने के लिए। ये ब्लैक बॉर्डर थोड़े से कम होते हैं ना तो और मज़ा आता है, यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर कुछ ज़्यादा ही मोटे दे दिए गए हैं ना, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। नहीं तो एज सच यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक यहाँ पे बैकग्राउंड पे काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा मर्ज हो जाता है उसके साथ, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले है इसीलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप स्क्रीन वेक टाइम जो है आपका उसको आप कम भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 सेकेंड का, 5 मिनट का मिल जाता है आपको। और वैसे स्क्रीन टाइम आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ पे 20 सेकेंड का है तो यहाँ पे 5 सेकेंड का कर दिया हमने। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विजिबल रहती है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे होम एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेज टू वेक भी काम करता है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा रिव्यू अनबॉक्सिंग। अगर आपका क्वेरी फायरबोल्ट की रॉक गोल्ड वाले कलर से अगर रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।